press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक छोटे से प्रश्न से यहां बात करूंगा, हो सकता है आपको सुन के लगे कि मैं ये कैसी विचित्र बात कर रहा हूं, वो भी एक दिन पर। वो विचित्रता है, हम सब जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भारत एक बहुत महान देश था। भारत की संस्कृति 2,40,000 वर्ष पुरानी है। जी हाँ, और मैं ये प्रमाण से कहता हूं, वेदों में जिक्र है प्रथम हिमपात का, और प्रथम हिमपात हुआ था 2,40,000 साल पहले। मैं मैक्स मिलर की, वेबर की, हेयर की थ्योरीज में कतई विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि भारत का इतिहास 1200 वर्ष पुराना, 1200 BCE पुराना है। मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि यह प्रामाणिक नहीं है। लेकिन हां, एक प्रश्न जरूर उठता और यह प्रश्न मैं करना चाहता हूं और अक्सर करता हूं कि हम बात करते हैं हम इतने महान थे, हमारे पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी। द्वापर युग में, जो आज से लगभग 5,500 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं, लगभग द्वापर युग में हमने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया था। जोधपुर के पास आज भी कुछ ऐसी जगह हैं, कुरुक्षेत्र में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां मिट्टी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। जब हम इतने महान थे, अब प्रश्न उठाता हूं और इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग को हिला देना चाहिए। आपके मस्तिष्क में जब तक एक टंकार नहीं होगी, तब तक अतीत को तो आप बहुत याद रखोगे, भविष्य को मजबूत बनाने की राह पर नहीं चल सकते। और प्रश्न यह है कि यदि हम इतने महान थे तो गुलाम क्यों हुए? युद्ध हारे क्यों? हम 8वीं शताब्दी के बाद कमजोर क्यों होते चले गए? हमारे ऊपर अंग्रेज इतने वर्ष टिक कैसे गए? उन्होंने हमारे लोगों को कैसे मारा? मुगलों ने हमारे समाज को तहस नहस कैसे कर दिया? हमारे धर्म ग्रंथ कहां हैं? हमारे शास्त्र कहां हैं? जिसे हम अखंड भारत कहते थे, वो अखंड भारत कहां है? मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति, ये तीखा प्रश्न आपसे कर रहा हूं, उसका उत्तर मैं भी दूंगा, लेकिन इसका उत्तर आपके दिमाग को झंझोड़ना चाहिए, अन्यथा देश के गुणगाने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि अध्यात्म कहता है कि पहली उंगली सदैव अपनी तरफ उठती है। यदि आप अपने आप को झकझोर नहीं सकते, अपने अंदर झांक नहीं सकते, तो जय बोलने से बहुत लाभ नहीं होता। कुछ सेकंड रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद पुनः स्थिति वैसी। 8वीं शताब्दी के बाद का भारत बढ़ता चला गया। इस बटने की शुरुआत 1200 BCE से लगभग होनी शुरू हो गई थी और यह बंटवारा बहुत तेजी से हो रहा था। और बंटवारा किसका था यह समझना बहुत जरूरी है, और खास तौर से उस जनता से मैं बात कर रहा हूं जो केवल सुबह से शाम तक पूजा करना, दीपक जलाना, घंटी बजाना, पाठ करना, इसको धर्म समझती है। हम बटे, सबसे पहला बंटवारा हुआ धर्म का और कर्म का। देखिए, भारतीय सेक्युलरिज्म, जिसको आज हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं, यह 12वीं शताब्दी के बाद के यूरोप का एक सिद्धांत है। इस सेक्युलरिज्म को कृपा करके भारत में ना ओढ़ा जाए, क्योंकि वहां धर्म नहीं है, रिलीजन है। और हमारे यहां कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहां धर्म का मतलब है धर्म का तत्व, और धर्म के तत्व का मतलब है वह धर्म जिसे आप धारण कर सके, यानी आपके कर्म में उतर सके। यदि धर्म कर्म से जुदा हो गया तो काय बात के धार्मिक। मेरा इस बात पे अक्सर बहुत निंदा होती है, लोग अक्सर कहते हैं कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं आस्तिक हूं, क्योंकि मैं उस भारत के धर्म को मानता हूं जो कहता है योगस्य कर्मसु कौशलम। जो योग ये कहता है कि कर्म की कुशलता का नाम योग है, मेरा कृष्ण ये मुझे सिखाता है, सामवेद ये मुझे सिखाता है, वेद मुझे ये सिखाता है, मैं उस धर्म का मानने वाला हूं। इसके इतर
वह धर्म जो पाखंड सिखाता है, जो शोषण सिखाता है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। उन लोगों का धर्म, उन माओं का धर्म जो अपने बच्चे को भेजते हैं सुभाष चंद्र बोस की सेना का सिपाही बनने के लिए। हमारे मध्य शास्त्री जी हैं, सुभाष चंद्र बोस के सेना के एक अंग रहे हैं, उन्होंने ये मुझे कल बताया। 1200 बच्चे थे, 1185 अपनी जान दे गए, कुल 15 बच्चे बचे और ये 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ये है धर्म। लेकिन आज की माताओं से जब मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को मोहल्ले में हुई मृत्यु में भेजिए, किसी के घर की शादी में भेजिए, किसी की उठावनी में भेजिए, उन्हें फातिया पढ़ने के लिए भेजिए, शिरकत कराइए उन्हें वहां, और वो कहती नहीं मेरे बच्चे को भूत चिपक जाएगा, मैं इस धर्म को नहीं मानता। और जब तक ये धर्म कर्म से अलग रहेगा तब तक कोई व्यक्ति ना कर्मठ हो सकता ना धार्मिक हो सकता। क्योंकि धर्म जैसे ही कर्म से अलग होना शुरू हुआ, वो लोग जो धर्म का धा नहीं जानते वो लोग मठाधीश बनने लग गए। बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं मैं आदरणीय पत्रकार बंधुओं के सामने इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो पता है क्या होता है, और वही हुआ है इस भारत के अंदर। जिस व्यक्ति के कर्म में धर्म नहीं होगा वो सुबह शाम पूजाएं करेगा, बड़ी बड़ी आरतियां करेगा, बड़े बड़े मंदिर बनवाएगा और दिन भर भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन जो धर्म भीरू व्यक्ति होता है वो इस देश का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति को ही यह पता होता है कि राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। इसलिए आपके आश्रम में सबसे पहली पूजा रोजाना भी भारत मां की ही होती है, क्योंकि ये है तो हमारे देवी देवता है, ये है तो पूजा है, ये है तो चालीसा है, ये है तो पाठ है, और ये है तो हमारी इज्जत है। अन्यथा ये कमजोर हुई तो हमारी भी कोई इज्जत नहीं करेगा, और ऐसा हो रहा है। आप बाहर जाके देखिए, आप एज सर्वेंट, एज सबॉर्डिनेट पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं, लेकिन कोई आप पर विश्वास करके आपको सीईओ नहीं बनाता। कृपा करके 125 करोड़ के इस देश के 10 लोगों की बात मत कीजिएगा। ये मॉड्यूल बहुत छोटा है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, इस छोटे छोटे मॉड्यूल की बात मत कीजिए। और जो लोग उस पदवी तक पहुंचे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है कृपया ये भी जांच लें। तो ये मत कहा कीजिए कि अमेरिका में फला व्यक्ति देखो वो बन गया, भारतीय है। फला व्यक्ति वहां का सीईओ बन गया, भारतीय है। नहीं, जिसने इस मिट्टी में लोट लगाई है, जिसने यहां की शिक्षा पाई है, जो भारत के संघर्ष के साथ जूझा है, वह भारतीय है। जो बाहर चला गया, वहां की जिंदगी जी रहा है, उसे भारत की याद भी नहीं आती, वो कैसा भारतीय है? माँ बाप भी भूल जाते हैं ऐसे बेटे को। इसलिए मैं आश्रम के बच्चों से कहता हूं कि इल्म के लिए, कुरान शरीफ भी कहती है, इल्म के लिए चीन भी जाओ। मैं भी आश्रम के बच्चों से कहता हूं कि जहां दुनिया में बेस्ट काइंड ऑफ नॉलेज है, गो देयर, अटेन दैट नॉलेज, बट सर्व योर ओन कंट्री, क्योंकि इसने तुम्हें पैदा किया है, इसके पंच तत्वों से तुम बने हो, इसको मत भूल जाना। सारी दुनिया घूम के आओ लेकिन आशियाना यही बनाना। प्रश्न फिर वही आता है, इतने मजबूत, इतने बड़े, इतने धनी गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हम जातियों में पट गए, हमने धर्म की भी ठेकेदारी देनी शुरू कर दी, हमने धर्म के तत्व को नहीं समझा। तत्मसी तत्मसी, वेद वेदांत कहते कहते थक गए, तत्मसी तत्मसी, और हमने भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान का तत्व क्या है ये नहीं जानते। 12वीं शताब्दी में कुछ गीत कहानियां लिखे गए कृष्ण के बारे में, बस हमने समझ लिया ये कृष्ण है, लगे नाचने उस धुनों पर, और कृष्ण की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति क्या थी ये नहीं पता। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पढ़ा रहा है सर्वेंट लीडरशिप आपके कृष्ण के प्रेरणा से,
कृष्ण के कर्मों को वह बिजनेस स्कूल में पढ़ाता है, लीडरशिप कोर्स में पढ़ाता है, और उस कोर्स का नाम है सर्वेंट लीडरशिप, उस सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है सर्वेंट लीडरशिप। हॉकशॉट आपके न्यूरोसाइंसेस के बारे में बता रहे होते हैं, और भारत के इस देश के लोग इस बात के लिए खुश है। वहां हमारा वेदांत माना जाता है, मैं कहता हूं ये खुशी की नहीं, शोक की बात है। तुम वेदांत नहीं जानते, तुम्हारे घर में कोई वेदांत नहीं जानता। तुम्हारा बच्चा यदि संस्कृत पढ़ना या बोलना चाहता है, या अपने किसी साहित्य को समझने के लिए सत्संग में जाना चाहता है, तुम उसे रोकते हो। हम इसीलिए पिटते गए, हम इसीलिए पिछड़ते गए, क्योंकि हमारे धर्म में जहां समाजवाद था, सोशलिज्म था, हमने धर्म के कुछ लोगों को, या हमने धर्म को इस तरह ट्रीट किया कि धर्म के अंदर ही एक अजीब सा कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद जिसे आज आप कहते हैं, वह खड़ा हो गया। सारी सत्ता, सारा ज्ञान कुछ हाथों में सिमटता चला गया, और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ करी, और चापलूसी का ऐसा माहौल खड़ा हुआ कि भगवान भी बाद में, राजा जी पहले, सूबेदार साहब पहले, जमींदार साहब पहले। इस व्यवस्था ने भारत को कमजोर किया। अब आज की स्थिति क्या है? जातिवादी है कि नहीं? पूंजीवाद है कि नहीं? पूंजी, मैं अमीरी को बुरा नहीं मानता, कोई व्यक्ति मेहनत करके बहुत अमीर बनना चाहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हैं ये, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सारे पैसे पे कुंडली मार के बैठ जाना ये गुनाह है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? धर्म के नाम पर हम बट रहे हैं कि नहीं? भाषा और क्षेत्र के नाम पर हम बट रहे हैं कि नहीं? फिर ये क्या आठवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक की सिचुएशन नहीं है? और अगर ये सिचुएशन है तो माफ कीजिएगा, आने वाला कल हमें धर्मगुरु नहीं बनाएगा। ये ख्याली बातें हैं, क्योंकि हम एक सबसे बड़ा बाजार है इस दुनिया का। ओबामा को इससे प्यार है, मुझसे या आपसे प्यार नहीं। अब इससे निपटा कैसे जाएगा? बातें तो बहुत सारी हैं, करता रहूंगा, लेकिन हर कार्यक्रम में चूंकि बोलने की बाध्यता होती है, इसलिए सिर्फ एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। 69% लोग 2020 तक युवा होंगे, और ये चिंतन का विषय है कि इस वक्त यदि युवा को इस देश का धर्म, इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति, आचार विचार व्यवहार सिखाया जाए तो ये देश मजबूत होगा। क्योंकि युवा मजबूत होगा, वो अपने परिवार को मजबूत करेगा। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, समाज धीरे धीरे मजबूत होगा, और हम सब के मजबूती से तब राष्ट्र मजबूत होगा। फिलहाल स्थिति तो क्या है, 2014 में 72% बच्चों के विटामिन डी कम है। 72%, सोचिए इस देश का हाल। 72, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंकड़ा दे रहा हूं। 48% बच्चे इस देश के कुपोषित हैं। इस देश में बाल अपराध 2014 से लेकर अब तक 150% बढ़ा है। बच्चों के साथ हमारा व्यवहार किस किस्म का होता है? अपने बच्चे के साथ अलग, पड़ोसी के बच्चे के साथ अलग, और गरीब बच्चे के साथ अलग। बच्चों के साथ लड्डू गोपाल को पूजने वाली सेना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ हमेशा बहुत प्यार का व्यवहार करो, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को लताड़ रहे होते हो तो कौन जाने आप किसी बच्चे को भविष्य का अपराधी बना रहे होते हो। इसलिए सहृदयता जरूरी है, इसलिए ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट जरूरी है, और ये आएगी शिक्षा से। और कौन सी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा नहीं, चरित्र निर्माण की शिक्षा। वो शिक्षा नहीं जिसमें 2.5 साल का बच्चा स्कूल में डाल दिया जाता है और माता पिता आप बच्चे के ऊपर ये अत्याचार मत करो। मैं 2010 से लगातार ये लड़ाई कर रहा हूं कि एजुकेशन को समझने की कोशिश करो। एजुकेशन का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। जिन बच्चों पे पढ़ाई का ज्यादा बोझ डाला जाता है उनकी प्रीफ्रंटल लोब वीक हो जाती है, और वह नाना प्रकार के क्रोध, गुस्सा, चिड़न, जलन, चिड़चिड़ापन, इससे पीड़ित हो जाते हैं। और गजा हम कैसे दे रहे हैं? विटामिन डी की ऑलरेडी कमी है। आपके बच्चों की जिद
मानसिक रोग भी हो सकती है, आपके बच्चों का क्रोध मानसिक रोग भी हो सकता है, आपके बच्चों का रात रात जागना ये मानसिक व्यवहार में कमी भी हो सकती है। इसलिए मैं जो संकेत आपको दे रहा हूं उसे आप ग्रहण करो। यदि भारत को महान बनाना है तो पढ़ो, समझो, और उसको नहीं जो मैक्स मुलर या मैकॉले मुझको समझा के गए हैं, उसको जो भारतीय ज्ञान कहा जाता है, जो भारतीय इतिहास है उसको आप पढ़ो, जो भारतीय परंपराएं हैं इस परिवार को बनाए रखने की उसे पढ़ो, क्योंकि परिवार टूटेगा तो आप भी टूट जाओगे एक दिन, देश कमजोर होगा तो आप भी कमजोर हो जाओगे एक दिन, ये तय है। हु लिव्स विदाउट इंडिया,